So we were talking about, let's just start quickly. So in the last classes, we were talking about your petroleum, refining of petroleum, from where it's extracted, like petroleum is extracted from the earth's crust. कहाँ पे होता है पेट्रोलियम? पेट्रोलियम बेसिकली क्रूड ऑयल, नॉट एग्जैक्टली पेट्रोलियम. क्रूड ऑयल इज फाउंड अबव द सॉल्ट वाटर और ब्राइन. ठीक है, ये टॉपिक्स हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़े थे. कवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, वी टॉक अबाउट क्रूड ऑयल. सो वी टॉक अबाउट इट्स प्रोसेसिंग ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, लाइक कंप्रेसर से हमने एक्सट्रैक्ट किया था. देन वी टॉक अबाउट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. Then we were talking about vacuum distillation, which can make different components in there. All we do is that we apply a pressure, which is less than the atmospheric pressure. Then the fourth point was top flooding. Okay, this may be crude oil to vapors ko heat karke different chambers mein, different temperatures ki chambers mein, we allow them to flow. And what we get is different components. देखो ये वाला इमेज था टॉप फ्लैशिंग के लिए. आई हैव एडेड द टेक्स्ट फॉर यू ऑल, सो आई विल बी गिविंग यू दिस स्लाइड. तो इसमें क्या होता है, क्रूड ऑयल को वी हीट इट, अ प्री हीटेड क्रूड ऑयल इज अलाउड टू मूव इनटू दीस पर्टिकुलर चेंबर्स. तो जो हीटिंग टेम्परेचर है वो वही है 350 से 380, और इसमें डिफरेंट वेपर्स को अलाउ करते हैं. एंड वॉट वी आर डूइंग, वी आर मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ दीज पर्टिकुलर चेंबर्स बाय प्रोवाइडिंग द कूलिंग कॉयल्स. तो जब ये इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं वेपर्स कूलिंग कॉयल्स के, तो दे स्टार्ट कंडेंसिंग. तो सेकेंड क्वेश्चन आता है कि स्टीम की क्या ज़रूरत है. तो स्टीम बेसिकली हेल्प्स यू क्रिएट अ पार्शियल प्रेशर और अ प्रेशर गैप विच अलाउज दिस वेपर्स टू फ्लो फ्रॉम वन चेंबर टू दी अदर. तो इसका जितना आपके सिलेबस के हिसाब से रिक्वायर्ड था वो यही था टॉप फैशन के केस में. जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है वो पार्ट है आपका क्रैकिंग, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग. तो आज हम क्रैकिंग और टाइप्स ऑफ क्रैकिंग के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज एग्जैक्टली क्रैकिंग, जो आज हम कवर करना है. तो ऑल कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स इनटू स्मॉलर यूनिट्स. ठीक है, तो द टॉपिक फॉर टुडे इज क्रैकिंग, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन. तो क्रैकिंग बेसिकली दो टाइप की हो गई है. फर्स्ट इज योर थर्मल क्रैकिंग. And second is your catalytic cracking. Okay. Thermal cracking further divided as the name suggests. Thermal means based on the temperature, and catalytic means based by using catalyst. Okay. So what type of catalyst we are going to use, I will discuss it in the slide. Or thermal cracking is of two types. First is your liquid phase, and second is your vapor phase. तो आज के टॉपिक का ये समरी है, व्हाट क्रैकिंग, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग एंड व्हाट डू वी गेट आउट ऑफ देम एंड व्हाट इज द डिफरेंस और एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस. ओके, सो लेट्स गो टू द स्लाइड. सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. सो क्रैकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हेवियर कंपाउंड्स डिराइव्ड फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन and converting them into smaller fractions, like I already told you. So cracking basically involves rupture of CC bonds and CH bonds. ठीक है, ये important है. अब ये जो bonds है इन, ये why thermal or catalyst is required, like thermal energy or catalyst is required when we talk about cracking. तो इसके पीछे एक reason है, and the reason is this
अमाउंट ऑफ एनर्जी दीज टू बॉन्ड्स कैरी विद देम, ठीक है? क्या क्रैकिंग समझ में आ गया? क्रैकिंग इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ लॉन्ग चेन कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कैन बी यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल एज वेल एज डोमेस्टिक पर्पस. सो व्हाई डू वी नीड क्रैकिंग? व्हाट हैपेंस इन क्रैकिंग? क्रैकिंग का कॉन्सेप्ट में क्या है? रप्चर ऑफ सीसी बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड. सो व्हाई डू वी रिक्वायर फर्दर एनर्जी और कैटलिस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर बॉन्ड? बिकॉज द एनर्जी, द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी फॉर दीज टू पर्टिकुलर बॉन्ड्स इज वेरी हाई. एज यू कैन सी दे आर सिग्मा बॉन्ड. सो फॉर सीसी बॉन्ड इज 377 किलोजूल्स पर मोल, whereas for CH bond is 430 kilojoules per mole. So from the magnitude itself, you can realize that such type of bond dissociations cannot take place in normal temperature or pressure. Okay, so isme zyada energy ke liye you need to give some external force to derive some smaller compounds out of them. So nearly 50%, you can note this down in your notebook or anywhere. So nearly 50% of gasoline. So question comes, what is gasoline? So gasoline is another name for petrol or petroleum that we use. Okay, petrol jo hum use karte hain usko gasoline ke form mein bhi kehte hain. So don't confuse yourself. So yeah, nearly 50% of today's gasoline is obtained by cracking. The gasoline obtained by fractional distillation is superior in quality. So whenever you talk about cracking, write these two, three, four points. And if you like, you can mention the bond dissociation energy. और उसमें आप ये mention भी कर सकते हो कि इसकी bond dissociation energy इतनी ज़्यादा होती है, इसीलिए you need to provide some external medium like temperature or a catalyst or a confined furnace type of a medium to break down the compounds. Okay. So what is the process of cracking? The process of cracking is higher hydrocarbons are converted into lower hydrocarbons by CC cleavage, like I already told you. So the products obtained on cracking have lower boiling point than that of the initial reactants. Second point is formation of branch changed hydrocarbons take place from straight chain alkanes. Unsaturated say are formed from saturated hydrocarbons. ठीक है, unsaturated और saturated का concept alkanes और alkenes वाला है. And cyclization takes place. So let's just do an example for this particular point. ठीक है, I'm going to write one example. Just take a paper and pen and note it down. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है सीसी और सीए बॉन्ड की, इसीलिए हमें एक्सटर्नल मीडियम देना है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन, सो सी टेन एच कंटिन्यू. आई एम गिविंग एन एग्जांपल, दिस इज अ डेकेन. व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? द बॉइलिंग पॉइंट इज 173 टू 175 डिग्री सेल्सियस. नाउ व्हेन यू अप्लाई क्रैकिंग, वेदर इट्स बाय थर्मल क्रैकिंग और कैटालिटिक क्रैकिंग, what happens? This particular decane breaks down into smaller carbon, which is your C5H10 and your C5H12. So these are what? This is N-pentane and this is your pentane. Okay. So what is happening? This is giving you, what is the boiling point? It is in the hydrocarbon of lower fraction and lower boiling point. So what is the boiling point? Boiling point is 36 degrees Celsius. ठीक है, ये एक example है. When you are cracking, when long chain hydrocarbon like decane or higher are subjected to cracking and they give you smaller hydrocarbons. ठीक है, तो इसमें से ये इस तरीके से pentane और neopentane you can extract. Another such example of cyclization which you talk about, point number 4, process of cracking mein cyclization ka concept hai.
So what is happening in cyclization? Let's take an example of a decane, an octane. It is called C8H18. You do the temperature on catalyst. And what you get is your plus C3H6. So ये आपका octane है. This is a simple example which you can write if you are giving writing your answer in exam. This is again your pentane, new pentane, and this is your cyclopropane. Okay. So this is all about your cracking its time, its basic process, and why we require thermal and temperature and catalyst medium for your cracking. ठीक है. अब इसमें students, इसमें एक factor ये है कि if you your mechanism is exactly mechanism of cracking like free radical cracking is not there in your syllabus as of now. But if you want, I can add the mechanism of a particular hydrocarbon for you to learn. So बताओ if you want to learn mechanism. मैम क्रैकिंग सिलेबस में नहीं है, मतलब अब यूनिट में क्रैकिंग सिलेबस में है बेटा, पर जो मैकेनिज्म होता है जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है. सो अभी के लिए यू हैव टू लर्न बेसिक एग्जांपल्स, व्हाट इज क्रैकिंग, टाइप्स ऑफ क्रैकिंग. बट इफ यू वांट मैकेनिज्म लाइक ईच बॉन्ड व्हिच इज ब्रेकिंग, देन आई विल ऐड एन एक्स्ट्रा शीट फॉर यू ऑल एंड एक्सप्लेन इट. सो इफ एनीवन वांट्स लेट मी नो नाउ. बट अभी आज के लिए ये कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्रैकिंग इज बेसिकली कन्वर्जन ऑफ हायर और लॉन्ग चेन कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन टू स्मॉल चेन. And what happens? CC bonds are getting broken up. So why do we need thermal or catalytic medium? We need catalytic medium because the bond dissociation energy is very high. So it's not possible to perform this at room temperature or not NTP. ठीक है. तो इस पूरी स्लाइड की इतनी समरी है which I've spoken. ठीक है. साइक्लाइजेशन का एक एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखा है ऑलरेडी. ठीक है. सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है. टाइप्स ऑफ क्रैकिंग आई एम टेलिंग यू, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रैकिंग. फर्स्ट इज थर्मल, सेकेंड इज कैटालिटिक क्रैकिंग. सम स्टूडेंट इज देयर जिसका माइक ऑन है. ठीक है. तो थर्मल और कैटालिटिक क्रैकिंग का कॉन्सेप्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. एक में टेंपरेचर दिया प्रोवाइड, दूसरे में कैटलिस्ट दिया प्रोवाइड. तो थर्मल क्रैकिंग के बारे में बात. So what is liquid phase cracking? So let's just talk about thermal phase cracking and then we'll move to the slide. The system keeps hanging. Okay. So cracking taking place under the pressure and heat is called your thermal cracking. Heavy oils are subjected to high temperature and pressure and they break down to give you smaller molecules like paraffins and olefins. So paraffins are students alkanes, simple alkanes, and olefins are alkenes. So iska confusion kisi ko nahi hona chahiye. So what is the thermal stability for paraffins, naphthenes, and aromatics? The paraffins are least stable, whereas the aromatics derived from thermal cracking are having the highest stability. So what is thermal cracking?
थर्मल क्रैकिंग इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन्स डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम इनटू पैराफिन्स एंड ओलेफिन्स एंड नैफ्थीन्स अंडर टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो लाइक इट्स ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड, थर्मल क्रैकिंग इज ऑफ टू टाइप्स, लिक्विड फेस क्रैकिंग एंड वेपर फेस क्रैकिंग. सो लेट्स गो टू द लिक्विड फेस क्रैकिंग. ओके, सो लिक्विड फेस थर्मल क्रैकिंग, बाय दिस मेथड ओनली type of oils like residues and heavy oils can be cracked. ठीक है, whereas vapor phase cracking में क्या होता है, जो वही compound वही hydrocarbons break down किए जा सकते हैं जो कि vaporize हो सकते हैं. दोनों में ये basic difference है. So by this method any type of oil like residues and heavy oils can be cracked. A pressure of 30 kg/cm³ to 100 kg/cm³ is applied to keep the sample in a liquid form. This is also important. ठीक है, if you are not able to remember every term, you know, every range of temperature and pressure, because ये पूरा chapter में temperature pressure range है, so know some basic unit somewhere between कि इतना देते हैं, like 30 to 100 है, so have a faint or a brief idea about it. So why the pressure is applied in thermal cracking? It's applied to keep the sample in your liquid form. And what is the temperature applied for cracking? It's 476 to 530 degrees Celsius. The crack products are separated using fractionating column. We studied about fractionating columns here, this particular area. So ye columns kis tarike se designed hote hain? These columns are designed in such a way that a heater is provided at the initial point. जो भी आप फ्रैक्शनेट कर रहे हो या फ्रैक्शनेट करने वाले हो उसको हम प्री हीट करते हैं, देन वी अलाउ देम टू पास थ्रू दिस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. तो जो बॉटम एरिया है वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वेर एज यू राइज टेम्परेचर डिक्रीजेस. तो डिपेंडिंग अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट्स और वेपराइजिंग पॉइंट्स ये यहाँ पे कंडेंस होते रहते हैं. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सो सेम कंपाउंड्स दैट आर अचीव्ड आफ्टर क्रैकिंग उनको भी हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में एक्सपोज करते हैं. ठीक है, यहाँ पे सो थर्मल क्रैकिंग में क्या क्या, थर्मल क्रैकिंग इन टर्म्स ऑफ लिक्विड फेस क्रैकिंग में क्या क्या कंपाउंड्स हमको मिल सकते हैं. फर्स्ट इज योर क्रैक गैसोलीन विच हैज गॉट द हाईएस्ट द परसेंटेज ऑफ 30 to 35%, क्रैक गैसेस 10 to 45%, एंड क्रैक फ्यूल ठीक है 50 to 55%. अब क्वेश्चन ये आता है कि गैसेस कौन सी हैं और फ्यूल कौन